या लाइक मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप्स को लेके, मैं चुप रह ही नहीं सकता, आई कांट इग्नोर इट. और जब हम बोलते हैं तो कई बार रिटेलिएशन भी होता है, फाइट्स भी होती हैं, तो वो फाइट वो आर्ग्यूमेंट इसीलिए हो रहा है बिकॉज आई केयर, इसीलिए हो रहा है बिकॉज शी केयर या कोई भी पर्सन केयर. आप करा दो कि नहीं यहीं करनी है शादी, और सिक्स मंथ्स या वन ईयर डाउन द लाइन आपको रियलाइज हो कि आपका बच्चा तो रह ही नहीं सकता इस अरेंजमेंट में, एंड देन इट लीड्स टू वेरी नैस्टी थिंग्स, सेपरेशन एंड ऑल, जो कि नहीं सही. सिर्फ वो जोश नहीं काम आएगा ना कि नहीं इससे बहुत प्यार है, कर लेते हैं, देखी जाएगी, वो देखी जाएगी, दिक्कत ला देता है. हेलो, नमस्ते, सलाम, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट. आज का पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लवर्स के लिए और जिनका दिल टूट गया है. आज मेरे साथ हैं नमित चावला, जो कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं इंस्टाग्राम पे, और आज हम उनसे बात करेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, ब्रेकअप के बारे में, पैचअप के बारे में, सबके बारे में. तो कैसे हैं नमित जी आप? थैंक यू मॉम, आई एम डूइंग गुड, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द सोशल लाइट. आप जैसे रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर कॉलेज टाइम से आई वॉज थिंकिंग कि मुझे कॉन्टेंट क्रिएशन में आना है, कॉन्टेंट बनाना है, बैक इन 2014-15. बट उस टाइम पे यूट्यूब वॉज द बिगर प्लेटफॉर्म एंड आई गेस आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट फिर लास्ट ईयर आई थॉट कि करना ही है, जैसे भी करना है. तो बहुत कम लोगों को ये बात पता है दैट जो मेरे को इनिशियली स्टार्टिंग डेज से फॉलो कर रहे हैं, दैट जब ये पेज स्टार्ट हुआ था मेरा इंस्टाग्राम पे, तो इसका नाम था थेरेपी विद नमित. उस टाइम पे मैं ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करता था रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ थेरेपी एंड द मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशूज़. बट उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स था दैट वॉज वेरी ओकेश. उसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ डाले रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और वही वीडियोस पहले वायरल हुए. तो मेरे को लगा कि ऑडियंस जो है वो एक्चुअली सुनना चाहती है अबाउट स्टफ लाइक रिलेशनशिप्स, लव, ब्रेकअप, मूविंग ऑन. एंड मैंने फिर उसी के रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया. एंड उसके बाद मैंने अपने पेज का नाम बदल के टॉक्स विद नमित किया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. तो आपका एक्सपीरियंस रहा है इसमें रिलेशनशिप में या फिर बस ऐसे ही? या लाइक मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप्स को लेके, एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो मैं अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करता हूँ, फ्रेंड्स को देखता हूँ और लोगों को देखता हूँ, कलीग्स को देखता हूँ कि किन किन प्रॉब्लम से वो गो थ्रू करते हैं, किन किन फीलिंग्स से, किन किन इमोशन से वो गो थ्रू करते हैं, दैट इंस्पायर्स मी अलॉट टू क्रिएट कॉन्टेंट. आपका ओपिनियन क्या है एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए? मैम, परफेक्ट रिलेशनशिप जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, ये भ्रम है, इट्स अ मिथ. ना परफेक्ट रिलेशनशिप जैसा कुछ होता है और ना ही परफेक्ट पार्टनर जैसा कुछ होता है. हर पर्सन में फ्लॉज होंगे ही होंगे, हम एक भी पर्सन ऐसा नहीं ढूंढ सकते जिसमें फ्लॉज ना हो. और हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कोई रिलेशनशिप कभी भी कम्प्लीटली स्मूथ चल ही नहीं सकता. सो द बॉटम लाइन इज कि एक रिलेशनशिप जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए, फाइट्स हो, हर चीज़ हो, लेकिन उसके बाद भी आपका पार्टनर आपसे ये कहे कि यार जो मर्जी हो रहा है होने दो, पर मैं जाऊंगा कभी नहीं, आई एम ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम नॉट लीविंग यू, एंड हम साथ में हर इस अप एंड डाउन से गो थ्रू कर लेंगे, दैट इज द आइडियल रिलेशनशिप एंड दैट इज द आइडियल पार्टनर. अगर जैसे आपने बताया फाइट्स भी हों, बहुत लोगों से सुना है कि जहाँ पे बहुत लड़ाई होती है वहाँ बहुत प्यार भी होता है. बिल्कुल होता है मैम, जहाँ पे लड़ाई, क्योंकि देखो जहाँ पे प्यार होगा ऑफ कोर्स ऐसा होगा कि जिस पर्सन से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इमोशनली, आई हैव फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, तो उसकी हर अच्छी बुरी चीज़ पे मैं बोलूँगा, मैं चुप रह ही नहीं सकता, आई कांट इग्नोर इट. और जब हम बोलते हैं तो कई बार रिटेलिएशन भी होता है, फाइट्स भी होती हैं, तो वो फाइट वो आर्ग्यूमेंट इसीलिए हो रहा है बिकॉज आई केयर, इसीलिए हो रहा है बिकॉज शी केयर. जितनी नोकझोंक है उतना प्यार भी है. रिलेशनशिप की बात करूँ, चाहे वो लवर्स वाला हो, चाहे वो मम्मी पापा का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं. तो आपकी क्या राय है, क्या एक्सपेक्टेशन क्या रोल प्ले करता है रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए? किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी पर्सन के साथ जिसके साथ हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, एक फेयर शेयर ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, उससे अपनी हर बात शेयर करते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस आना तो बहुत नेचुरल है. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम एक पर्सन से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं और हम जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ चले. बट मुझे ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार मेरी हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो. तो जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो किसी वजह से,
वजह को समझने की कोशिश करो, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो, ये देखो कि ज़रूरी क्या है, व्हाट्स द बिगर पिक्चर। एक चीज़ फुलफिल ना होने पे आप पूरे रिलेशनशिप को स्टेक पे नहीं ला सकते, उस पर्सन को बहुत ही गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो आपकी कोई एक एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाया, चाहे वो नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप विद योर रोमांटिक पार्टनर, इनफैक्ट विद योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, योर फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी, वो होगा ही होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है या एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना। हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कुछ लोग सपोर्ट करते हैं अरेंज मैरिज को और कुछ लोग सपोर्ट करते हैं लव मैरिज को। मैम, मैरिज इज समथिंग जो कि लाइफ लॉन्ग लास्ट करेगी। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जन्म जन्म तक शादियाँ चलती हैं, तो क्या होता है ना कि एक पर्सन जिसके साथ आपने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पर्सन को अच्छे से जानते हो, उसके हर गुड एंड बैड के बारे में आपको पता हो, क्योंकि अगर गुड हैं तो बैड भी होंगे ही होंगे। जैसे पहले कहा कि कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके अंदर कोई फ्लॉ ना हो। अब लव मैरिज में कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमें, क्योंकि हम काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, तो हमें पता होता है कि इस पर्सन में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, और हमें ये भी पता होता है कि इसकी बुराइयों को एक्सेप्ट करके मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। अरेंज मैरिज में कई बार क्या होता है, उस छोटे से कोर्टशिप पीरियड में, कुछ मंथ्स में, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, आप उतने अच्छे से उस पर्सन को नहीं समझ पाते, तो चांसेस ऑफ सरप्राइजेज एंड शॉक्स आफ्टर मैरिज बहुत बढ़ जाते हैं। कि आपको बहुत सारी बातें तो शादी के बाद पता चलेंगी, अच्छा इस पर्सन में ऐसा भी है, ऐसा भी है, और तब जाकर अगर रियलाइज हो कि यार मैं तो इसके साथ ऐसे रह ही नहीं सकता, मेरे को तो ये चीज़ चलेगी ही नहीं, दैट क्रिएट्स दी प्रॉब्लम। ज़रूरी ये है कि आप उस पर्सन को समझो जिसके साथ लाइफ स्पेंड करने वाले हो, चाहे अरेंज मैरिज भी कर रहे हो, वक्त लो। ज़रूरी नहीं है कि हमने आज हम किसी से मिले हैं तो 2 महीने में रोका होगा ही होगा या 6 महीने में शादी करनी ही करनी है, जब तक उस लेकिन जो अरेंज मैरिज कर रहा है उसकी भी तो प्रॉब्लम सोचिए, क्योंकि वो तो फैमिली करा रही है, और अगर फैमिली करा रही है तो फोर्स ज़रूर होगा उसमें। ऑफकोर्स फोर्स ज़रूर होगा, बट अगेन यहाँ पे आई गेस अब वो टाइम आ चुका है कि थोड़ा सा फैमिली एंड पेरेंट्स को समझना भी ज़रूरी है कि हाँ हम हर चीज़ देख के अपने बच्चों की शादी करा रहे हैं, पर एट दी एंड लाइफ उन्होंने ही बितानी है। घर अच्छा है, काम अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, सब ठीक है, पर वो इंडिविजुअल कैसा है लाइफ उसी के साथ निकालनी है। तो फैमिलीज को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि ठीक है बच्चे हमारी पसंद से ही अगर हम चाहते हैं करें, बट हम उनको वक्त दें कि तुम समझ लो उस इंसान को अच्छे से, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ उस पर्सन के साथ यू कैन स्पेंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ, गो फॉर इट, दैट्स द बेस्ट। उस चीज़ का आई गेस कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अपने उस थोड़े से वक्त की रेप्यूटेशन को देखते हुए आप करा दो कि नहीं यहीं करनी है शादी, और 6 मंथ्स या 1 ईयर डाउन द लाइन आपको रियलाइज़ हो कि आपका बच्चा तो रह ही नहीं सकता इस अरेंजमेंट में, एंड देन इट लीड्स टू वेरी नैस्टी थिंग्स, सेपरेशन एंड ऑल, जो कि नहीं सही। तो आई वुड जस्ट से कि टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दैट पर्सन, लगे कि इसके हर अच्छे बुरे के साथ मैं रह सकता हूँ, गो फॉर इट। बट अभी तक मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस मैंने देखा है आसपास में, रिलेशनशिप का एंड हो रहा है वो लव मैरिज में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो उसके बाद भी हो रहा है कि हम अपने पार्टनर को जान चुके हैं, सब जानते हैं उसके बारे में, उसके बाद भी हो रहा है। तो शायद वो एक्सपेक्टेशन भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद शादी के बाद दोनों लोग कुछ अलग अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है लव मैरिज का? ज़्यादा केस देखे हैं मैंने मैम। अगेन लाइक इवन लव मैरिज में भी आप कहते हो कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ, सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं, मतलब प्यार तो बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। लव मैरिज में कई बार क्या होता है, 6 महीने 8 महीने 1 साल साथ में बिताया, उस पर्सन को समझा, उसकी अच्छाइयाँ देखी, बुराइयाँ देखी, और ये सोचा कि यार नहीं मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ये जैसा भी है मैं चला लूँगा। उस वक्त क्या होता है ना, जब आप उस लव वाले जोन में होते हो, वो हनीमून फेज चल रहा होता है, बटरफ्लाईज आ रही होती हैं, तब लगता है मैं हर चीज़ कर लूँगी या मैं हर चीज़ कर लूँगा, इसमें ये बुराइयाँ मैं मैनेज कर लूँगी। जब वो रियलिटी हिट करती है, जब आप एक रूफ के अंडर रह रहे हो, आप हर वक्त साथ में हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक दूसरे के ऊपर, तब लोग कहते हैं कि यार नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। उस वक्त लग रहा था कर लूँगी या कर लूँगा, जोश था, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो जो लोग लव मैरिज भी कर रहे हैं, समझना ये ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकली समझें इस चीज़ को कि यार हफ्ते में 2-3 बार मिलना, बाहर जाना, घूमना फिरना और पूरी लाइफ साथ बिताने में बहुत बड़ा फ़र्क है। लव मैरिज करो पर उस पर्सन को समझो, ये इस चीज़ को पहले से अपने माइंड में बिठाओ कि अगर हम शादी की तरफ जा रहे हैं तो इस इंसान के साथ मुझे पूरी लाइफ बितानी है, नॉट जस्ट उस इंसान के साथ,
उसकी फैमिली के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, उसके सिबलिंग्स के साथ क्या मैं कर पाऊंगा? सिर्फ वो जोश नहीं काम आएगा ना कि नहीं इससे बहुत प्यार है, कर लेते हैं, देख ही जाएगी, वो देख ही जाएगी, दिक्कत ला देता है। लव मैरिज करो इतना समझ के कि नहीं ठीक है, अगर मेरे को इसके साथ 24 घंटे भी बिताने हैं ना, लॉकडाउन भी चल रहा है, दोनों काम पे नहीं जा रहे, हर वक्त सारा दिन एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। लॉकडाउन में बर्दाश्त कर लिया तो फिर हाँ फिर तो कर लिया। तो अगर आप एक पर्सन को 24 आवर्स टॉलरेट कर सकते हो तो आप कर सकते हो, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। कॉलेज लाइफ वाले लव पे जहाँ पे बेस्ट फ्रेंड पैचअप कराती है और ब्रेकअप भी कराती है, क्या रोल है बेस्ट फ्रेंड का? लाइक मोर मतलब सुनने में ज्यादा आता है, ब्रेकअप भी ज्यादा कराती है, तो उस पे प्लीज मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी। देखो बेस्ट फ्रेंड का रोल कहीं ना कहीं होता है आपकी लाइफ में, जब तक वो आपका या आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आप उसके साथ हर चीज शेयर करते हो, हर चीज उसको बताते हो, सब कुछ करते हो, बट फिर वन फाइन डे आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आता है जिसके लिए आप फील करने लगते हो, एंड देन मे बी यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, कहीं ना कहीं आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है, जहां पहले सारा वक्त उस फ्रेंड के साथ था, हर बात उस फ्रेंड के साथ थी, अब कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के ज्यादा साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हो, एंड इससे शायद आपके फ्रेंड को भी लग सकता है कि यार नाउ आई एम नॉट गेटिंग दैट मच टाइम। और ज्यादा प्रॉब्लम आई गेस जो बेस्ट फ्रेंड्स वाले केस में आती है, दैट कम्स व्हेन दी जेंडर्स आर ऑपोजिट। अगर मेरी एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड है और मेरी पार्टनर है, तो हो सकता है मेरी पार्टनर को कई बार प्रॉब्लम हो अगर मैं अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा वक्त दे रहा हूँ। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे योर फ्रेंड्स डोंट लाइक योर पार्टनर्स, मेरी फ्रेंड को नहीं पसंद मेरी पार्टनर, तो अगर मैं कभी भी जाऊंगा अपनी फ्रेंड के पास, उससे कुछ डिस्कस करूंगा, मे बी हर इंटेंशन इज नॉट राइट, मे बी वो मेरा कुछ बुरा नहीं चाहती, शी इज माई फ्रेंड, बट उसका ओपिनियन बायस्ड होगा, वो शायद उस वक्त चीज़ें संभल भी सकती हूँ पर ऐसी एडवाइस ना दे, वो कहे कि यार देख ले तेरा डिसीजन था, तेरा कॉल था, मैंने तो समझाया था मत कर, तूने फिर भी किया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फ्रेंड्स की वजह से। आई गेस आपके फ्रेंड्स, चाहे फ्रेंड हो चाहे बेस्ट फ्रेंड हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपको खुद पे भरोसा है कि हाँ यार आपको पता है अपने रिलेशनशिप डायनामिक्स का, कि जो भी मेरा और मेरे पार्टनर के बीच में चल रहा है मुझे उसे कहीं बाहर नहीं लेके जाना। अगर मेरे एंड मेरे पार्टनर में एक फाइट हुई है तो मेरे को जाके उसको अपने फ्रेंड को नहीं नरेट करना है कि ऐसे ऐसे आज सब कुछ हुआ, एंड उसकी ओपिनियन से नहीं चलना है। आई वॉज मच्योर इनफ टू कम इन टू दिस रिलेशनशिप, आई वॉज मच्योर इनफ टू से दैट पर्सन अ येस, सो आई शुड बी मच्योर इनफ कि मैं अपने उस रिलेशनशिप के छोटे मोटी चीज़ों को, आर्ग्यूमेंट्स को खुद ही सॉल्व करूं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आफ्टर ब्रेकअप और आफ्टर डाइवोर्स डिफेमेशन और किसी को भी डिफेम करना, चाहे वो मतलब अगर लड़की है तो लड़के को, लड़का है तो लड़की को, वो डिफेम जो करते हैं उस पर ब्लैकमेलिंग भी करते हैं काफ़ी केसेस में, तो उस पर क्या राय है आपकी? लाइक इफ़ यू आर स्टूपिंग डाउन टू दिस लेवल, तो चाहे जब आप रिलेशनशिप में भी थे प्यार नहीं था, चाहे आप साथ में 2 साल थे, 6 महीने थे, कितना भी वक्त थे, बिकॉज वेन यू ट्रूली लव अ पर्सन, वेन यू जेन्युइनली फील फॉर समवन, तो चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे ब्रेकअप हो चुका हो, आप चाह के भी कभी उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो रहा है, ब्रेकअप के बाद ही मैंने चालू कर दिया अपने सोसाइटी में जाके, लोगों के पास जाके दिखाना दैट मेरे साथ कितना बुरा हुआ एंड उसने कितना गलत किया, मे बी उस वक्त प्यार नहीं था। बिना रिस्पेक्ट के ना प्यार होता है ना रिलेशनशिप होता है, और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमेशा रहती है, चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो तब भी और रिलेशनशिप के बाद भी। पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, ब्रेकअप के बाद 6 महीने 1 साल हो चुका है, पर आज तक कभी उनसे अपने पार्टनर के बारे में कुछ गलत नहीं सुना, बट उन्होंने जितना टाइम साथ स्पेंड किया अच्छा किया, दे कैन नेवर डिफेम दैट पर्सन। 100 बात की एक बात, अ पर्सन यू लव, अ पर्सन यू आर एक्सट्रीमली क्लोज टू, यू कैन नेवर डिफेम देम, not just a relationship, even कोई भी हो। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, शायद आपने देखी भी होगी, जिसमें एक बंदा है जिसने अपनी वाइफ को लोन लेके पढ़ाया एंड वो उस पे। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर केस एक जैसा नहीं होता, हर इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता। अब जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसमें दिखाया गया है कि हाँ उसने अपनी वाइफ को इतनी मेहनत से पढ़ाया एंड लेटर ऑन शी फॉरगॉट हिम या शी डिडंट ट्रीटेड हिम वेल इवन आफ्टर मैरिजेस, इवन आफ्टर कमिंग इनटू रिलेशनशिप, आपके साथ ऐसा हो सकता है। बट लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के लिए आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ें करी हैं, उनके लिए वेट किया है, सालों वेट किया है, एक दूसरे को अपलिफ्ट किया है, एक दूसरे को अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करी है, एंड देन
after that they are in a very happy relationship, they are celebrating each other, they are hailing each other high. So yeah, this is very sub, you can say person particular. Koi insaan kaisa bhi ho sakta hai, acche bhi log hain, bure bhi log hain, to har kisi ke sath aisa ho ye zaruri nahi hai. Aapka kya experience hai personal heartbreak aisa kuch experience? Yeah, like I have been through a heartbreak. Aur us experience ko I guess koi bhi person jo ek एक्चुअल हार्ट ब्रेक से जिसने गो थ्रू किया होगा ना, आई डोंट थिंक सो आप उसको कभी वर्ड्स में सफाइस कर सकते हो. दैट कैन नेवर बी पुट इन टू वर्ड. कभी भी उनको वर्ड्स में सफाइस नहीं कर पाते, वो इमोशंस को आप पेन डाउन कर ही नहीं सकते आई गेस. तो या आई हैव बीन थ्रू हार्ट ब्रेक एंड आई एम नाउ ओवर दैट. आई एम हैप्पी अबाउट इट. बट या दोज आर सम वेरी टफ टाइम्स व्हेन A person really needs to be strong. Mental health aapki life mein kya role play karti hai? I guess aaj ke era mein when there is so much around, so much stress, pressure, career related stress, aapke relationships ko leke, so mental health bahut important hai aapke har aspect ke andar. Emotionally healthy ho, mentally healthy ho, to aap apne relationships ke andar, apne career ke andar, apne goals ke andar, आप हर जगह सही अटेंशन दे पाओगे, सही फोकस दे पाओगे. बट व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू बैड मेंटल हेल्थ, कुछ रीजंस होते हैं ऐसे, कुछ फेजेस आते हैं लाइफ में ऐसे जहाँ पे हमारा जो वी गेट इमोशनली कोलैप्स्ड, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है. और उस वक्त पे वो हर चीज़ पे इफेक्ट करती है. इफ़ यू आर नॉट मेंटली हेल्दी, आप इमोशनली हेल्दी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो हर जगह आएगा. वो आपकी रिलेशनशिप्स में भी दिखने लगेगा, वो आपकी वर्क लाइफ में भी दिखेगा, वो आपकी स्टडी लाइफ में भी दिखेगा. इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग. सो हैविंग अ गुड मेंटल हेल्थ इज वेरी नेसेसरी इन टुडेज टाइम. आजकल लोगों को मूव ऑन, जैसे आपने बताया आपने पर्सनली एक्सपीरियंस मूव ऑन कैसे किया, आजकल मूव ऑन करने में बहुत दिक्कतें होती हैं लोगों को. लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड कुछ लोग गलत स्टेप भी ले लेते हैं. आप कैसे बताएंगे लोगों कैसे मूव ऑन करें वो लोग? मूविंग ऑन एक ऐसा फेज होता है जो कि हर पर्सन के लिए अलग है. कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने उस ब्रेकअप के बाद के फेज में अपने वर्क लाइफ में नॉर्मल दिखेंगे, अपनी बाहर दुनिया के आगे नॉर्मल दिखेंगे, बट अपने बेडरूम में जाके चाहे वो लाइट्स बंद करके रो रहे हैं, वो अलग हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मूव ऑन नहीं कर पाते एंड दे आर ओपन अबाउट इट. आपको दिख जाएगा कि ये पर्सन बहुत ही एक रफ फेज से गुजर रहा है. तो मूविंग ऑन सबके लिए अलग है, कुछ लोगों के लिए जल्दी, कुछ लोगों के लिए देर से. आई अग्री, बहुत ही टफ फेज होता है वो, एक ऐसा जिसमें आपको खुद को स्ट्रांग बनाने की बहुत ज़रूरत है. और मूविंग ऑन में ना, आई गेस कोई टेड टॉक काम नहीं आती. आपकी किसी भी तरीके का जो आप पर्सनल गो थ्रू कर रहे होते हो ना, बहुत कम चीज़ें उस वक्त पे इफेक्ट करती हैं. उस वक्त पे आपको लगता है कि यार, जो आपने जैसे कहा कि लोग बहुत गलत स्टेप्स ले लेते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि शायद वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते. ज़्यादातर मेरे को लगता है मूविंग ऑन में इश्यूज इसलिए आते हैं बिकॉज हम बहुत ही चुप हो जाते हैं, हम किसी से नहीं बोल रहे, हम किसी से बात नहीं कर रहे, अकेला वक्त बिता रहे हैं. और फिर हमारा माइंड जो हमें कह रहा है, हम सिर्फ वही सुन रहे हैं. हमारा माइंड कह रहा है कि नहीं यार, अब इसके बाद कोई लाइफ नहीं है, तो हम वही सुन रहे हैं, हम वही मान भी रहे हैं. कुछ लोग इतना ज़्यादा मानने लगते हैं और इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं दैट देन दे टेक रॉन्ग स्टेप्स. कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अपने अकेलेपन के अंदर. तो आई गेस उस वक्त पे अपना टाइम लो, टेक योर मी टाइम, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, बट डोंट गेट आइसोलेटेड. गो आउट, कुछ लोगों से बात करो, स्पेसिफिकली इसी चीज के बारे में नहीं, नॉट अबाउट योर. जो लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं वो ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं बिकॉज वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं उनके अंदर क्या चल रहा है. वो सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, उनके पास कोई एक गाइडिंग लाइट है ही नहीं. और वो लोग हमेशा इस रॉन्ग ट्रैक पे ज्यादा जाते हैं. चाहे आपका कोई फ्रेंड है, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, चाहे कोई भी है, उनसे बात करो. मैं ये नहीं कह रहा इसी चीज़ के बारे में बात करो, ना मैं उन लोगों को ये सलाह दूंगा कि वो उस पर्सन जो कि उस मूविंग ऑन के फेस से उसको सलाह दे. नहीं, उस वक्त उसको सलाह की ज़रूरत नहीं है. या तो उस वक्त उसको ज़रूरत है कि बस कोई इंसान उसके पास रहे, उसकी बात सुने. बस उसको ज्ञान नहीं चाहिए उस वक्त, उसको सिर्फ इतना चाहिए कोई उसके साथ वक्त बिताए, कोई उसको बताए कि नहीं ठीक है, जो हो रहा है फेज है, बीतेगा, बाकी अपनी रेगुलर लाइफ में नॉर्मल रहें, ट्राई की कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करें. उस वक्त खुद को आइसोलेटेड ना रखें,
आप जितना ज्यादा अपने आप में बंद हो जाते हो ना, क्योंकि ऐसा मन करता है मूविंग ऑन में कुछ नहीं करने का मन करता है, ना किसी से बात, ना कोई नई चीज, आप अपना अच्छा खासा रूटीन भी छोड़ देते हो उस वक्त. दैट इज़ वेरी हार्मफुल. यू डोंट नीड टू डू दैट. अपने रूटीन में नॉर्मल रहने की कोशिश करो, वक्त लो अपना, कोई जल्दीबाजी नहीं है. कोई नहीं कह रहा कि तुम्हें दो दिन में ही मूव ऑन करना है. टेक योर टाइम बट डोंट आइसोलेट योर सेल्फ. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाइल मूविंग ऑन जो लोग फेस करते हैं. तो अब हम लोग पॉडकास्ट खत्म करने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे रैपिड फायर राउंड. श्योर. सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं या नहीं? आई वुड से नहीं. अगर आपका पार्टनर बढ़िया है, नहीं प्रॉब्लम्स. फेवरेट कुजीन? चाइनीज. आई आल्सो लाइक साउथ इंडियन, सो बोथ. दो क्वालिटी जो आप अपने पार्टनर में चाहते हैं? लॉयल एंड केयरिंग. ओके. सिंगल और रेडी टू मिंगल? Single for now. Favorite love story book? I have never read any love story book till now. Huh? Yeah, I have never read a love story book in particular. Kabhi nahi. Aur aapko itna knowledge hai? Yeah, I observe my surroundings, but haan, particularly maine koi love story book nahi padhi aaj tak. So, what is your opinion on live-in relationships? Ma'am, live-in relationships na. एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा पर्सनल टॉपिक है. यहाँ पे मैंने इंस्टेंसेस ऐसे भी सुने हैं जहाँ पे लोगों का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, उनके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ें हुई हैं वाइल बीइंग इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप. कुछ लोगों का मैंने सुना है दैट दे वर हैप्पी दैट दे केम इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप, वो अपने पार्टनर को बेटर समझ पाए. सो दिस आई वुड से इज़ कम्प्लीटली पर्सन स्पेसिफिक, बिकॉज यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि वो पर्सन कैसे है जिसके साथ आप हो. एंड इनफैक्ट कहीं ना कहीं आई वुड से कि पर्सन को बेटर जानने की कोशिश करो विदाउट गेटिंग इनटू दैट लिविंग स्टफ. ये बेटर रहेगा, सेफर रहेगा. आज की सोसाइटी को देखते हुए, आज की सराउंडिंग्स को देखते हुए, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अभी रिसेंटली में इतने इंस्टेंसेस हुए हैं हमारे आसपास, तो आई वुड से दैट ट्राई टू नो योर पार्टनर बेटर बिफोर, लाइक विदाउट गेटिंग इनटू दिस डायमेंशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप. वंस यू फील दैट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ ऑनेस्ट है, लॉयल है, बहुत ही जेन्युइन है, तब आई गेस फिर डायरेक्टली गो टूवर्ड्स द राइट पाथ. टॉक टू योर फैमिलीज अबाउट इट, कीप एवरी वन इन्फॉर्म्ड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन. बिकॉज ज़्यादातर मैंने यहाँ पे लोगों के बुरे एक्सपीरियंसेस जो सुने हैं वो इसलिए बिकॉज नो वन न्यू दे वर इन लिव इन रिलेशनशिप. आई नो आप अपनी फैमिली से जाके नहीं कह सकते कि हमें लिव इन में आना है. सो बेटर वुड बी गो फॉर अ राइट स्टेप, टेल योर फैमिलीज दैट वी बोथ लाइक ईच अदर एंड नाउ हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, जैसे भी है. बट दिस इज़ अ वेरी रिस्की टॉपिक दीज डेज. लोगों के साथ कुछ ऐसे इंस्टेंसेज हुए हैं जिसके बाद ये बहुत ही, मतलब आई वोंट से इट्स अ सेफर थिंग टू गो फॉर, कीपिंग इन माइंड द सोसाइटी वी आर इन राइट नाउ. करेक्ट. सो थैंक यू नमित जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी इंसाइट दी लवर्स को और जिनका हार्ट ब्रेक हो गया है अभी उनको. तो ये थे नमित जी और इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी इंसाइट दी. जो जिनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है या जिनको भी सलाह चाहिए वो आप इनसे डिस्कस भी कर सकते हैं, आई थिंक पर्सनली भी. लाइक यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आई गेस आपको हर चीज़ मिल जाएगी. मतलब मैंने आई गेस हर टॉपिक कवर किया इतने टाइम तक. एंड थैंक यू मैम फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक्स टू द सोशल लाइट, थैंक यू ऑल. सो आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और जय हिंद जय भारत.